एमएस धोनी टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं और कई स्टार खिलाड़ी कह चुके कि वह खेल को सबसे अच्छे से पढ़ते हैं। टीम इंडिया के मौजूदा विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी ने मंगलवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे व निर्णायक वनडे में एक बार फिर एक ऐसा फैसला लिया जिसे देखकर क्रिकेट जगत में खलबली मच गई। दरअसल एमएस धोनी ने अपनी पैनी नजर से इंग्लैंड की टीम को हैरान कर दिया। उन्होंने अंपायर समीक्षा प्रणाली DRS का सटीक इस्तेमाल करके अपना विकेट सुरक्षित किया और साबित किया कि आखिर क्यों DRS को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। यह वाक्या पारी के 32वें ओवर का है। मोइन अली की गेंद धोनी के पीछे वाले पैड पर जाकर लगी। अली सहित इंग्लैंड टीम ने LBW की जोरदार अपील की अंपायर ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड पर। इंग्लिश टीम की अपील का असर हुआ और उन्होंने अपनी अंगुली उठा दी। धोनी ने बैट से झक DRS का इशारा किया। तब टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट पर 158 रन था। धोनी का अनुभव व एहसास काम आया। रिप्ले में दिखा कि गेंद जरूर लाइन में थी जो जांघ पर जाकर लगी। हॉकआई में दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, लिहाजा तीसरे अंपायर ने फैसला बल्लेबाज के पक्ष में सुनाया। अंपायर ब्रूस ऑक्सेनफोर्ड ने स्कोर की तरफ देखकर अपने फैसले को गलत दिखाते हुए नॉट आउट करार दिया। बता दें कि टीम इंडिया का इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे व निर्णायक वनडे में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण स्वीकारा और निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 256 रन बनाए। एमएस धोनी ने 66 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 42 रन बनाए। जवाब में जो रूट 100 और कप्तान योन मॉर्गन 88 की दमदार पारियों की बदौलत इंग्लैंड ने 33 गेंदें शेष रहते 8 विकेट के बड़े अंतर से मैच वर सीरीज 2-1 से अपने नाम की। Z News की रिपोर्ट।